guys, this is me Ankita. Welcome back to my channel. I hope you people are doing great. So guys, please do consider subscribing to my channel. और अगर आप यहाँ नए हो तो मैं आपको बता दूँ, मैं videos बनाती हूँ related to makeup, reviews and everything. तो अगर आपको ऐसा कुछ video पसंद है या आपको ऐसे channels पसंद आते हैं तो please मेरे channel को subscribe कर दीजिएगा. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ my Nykaa Hot Pink Sale. Actually ये जो Nykaa Hot Pink Sale है, ये मैंने कुछ चीज़ें उसके Hot Pink Sale के पहले भी मंगा ली थी और कुछ चीज़ें मैंने इसमें हॉट पिंक सेल में मंगाई है. सो आई एम गोइंग टू शो यू मैंने क्या क्या मंगाया है. इसमें हर चीज है, लाइक एसेंशियल्स हैं, स्किन केयर है, मेकअप है. आई थिंक मेकअप बहुत कम है क्योंकि मैंने इस बार डिसाइड किया था आई एम नॉट गोइंग टू टेक लॉट ऑफ मेकअप. तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया. तो स्टार्टिंग ऑफ विद द मोस्ट एसेंशियल थिंग जो अभी चल रही है, एंड दैट इज डेफिनेटली द सैनिटाइजर्स, क्योंकि अभी ये कोविड का जो सीजन चल रहा है, मैं क्या बोलूँ अभी. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं रिलेटेड टू द सैनिटाइजर थिंग. तो जिसमें सबसे पहले ये तो स्प्रेज मंगाए हैं मैंने फ्रॉम Nykaa. दिस इज़ होम सेफ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे. इट किल्स 99.9% जर्म्स और ये 200 ml की बॉटल आती है. ये ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है तो आप कोई भी सरफेस को क्लीन कर सकते हो. इस तरह से ये स्प्रे फॉर्म में है एंड ये भी सेम है, ये लैवेंडर एक्सट्रैक्ट में है एंड दिस इज़ इन नीम एक्सट्रैक्ट. तो ये मैंने दो मंगाए हैं. एक्चुअली दो से मेरा मतलब है कि ये मैंने चार मंगाए हैं, इसके दो और इसके दो, बिकॉज आई एम दैट वे. मतलब मुझे लगता है कि मैं चीज़ें खरीद लूँ, पता नहीं कल मिले ना मिले, अभी ये पता नहीं कोरोना वायरस कितने दिन चलने वाला है. सो आई एम वेरी कंसर्न अबाउट थिंग्स लाइक दिस. तो इसलिए मैंने ये दो चीज़ें मंगाई हैं. दिस इज सेफ फॉर ऑल द सर्फेसिस. इसको आप स्किन में यूज़ नहीं कर सकते हो आई बिलीव, क्योंकि इसमें लिखा है सेफ फॉर ऑल सर्फेसिस. तो इसको आप स्किन में यूज़ मत करिएगा, मतलब यू कैन नॉट जस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स विद दीज स्प्रेज. तो मैंने एक ये दो स्प्रे मंगाए हैं फ्रॉम Nykaa. देन आई हैव गॉट दिस लाइफ बॉय का स्प्रे. ये स्प्रे मैंने आई थिंक मैंने पहले भी एक किसी हॉल में दिखाया है. दिस स्प्रे ऑन द अदर हैंड कैन बी यूज ऑन योर हैंड. इसको आप ईजली यूज कर सकते हो अपने हाथों में, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, ये थोड़े सस्ते आते हैं. इनका प्राइस मैं आपको बताती हूँ. दिस इज़ फॉर 199 और ये 200 ml मिलता है, एंड दिस इज़ फॉर 149 और ये 75 ml मिलता है, बट यू कैन यूज़ इट ऑन योर हैंड्स एज वेल. तो ये मैंने मंगाया. ऑफकोर्स मैंने इसके भी दो मंगाए हैं, मैं आपको दिखा एक एक रही हूँ. एंड देन आई गॉट द स्प्रे ऑफ दिस डेटॉल स्प्रे, जो कि अगेन आप यूज़ कर सकते हो ऑन ऑल द सर्फेसिस. लाइक इसमें एरियाज भी दिए हुए हैं फॉर द कन्वीनियंस, कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट इन योर टॉयलेट एरिया, डस्टबिन, किचन सिंक, कार सीट, सोफ़ास, कर्टन, कारपेट्स, मतलब सारे सर्फेसिस में यूज़ कर सकते हो. बट दिस इज़ नॉट अ स्प्रे सैनिटाइजर काइंड ऑफ थिंग. वो सिर्फ ये लाइफ बॉय वाले में है जिसमें आप स्प्रे कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो. देन आई गॉट अ ह्यूज बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर जो कि लाइफ बॉय की तरफ से है. इसमें जो एल्कोहल परसेंटेज है वो 70% है. एक्चुअली मैंने पहले भी इसका लिया था लाइफ बॉय का, उसमें 95% वो लोग देते थे, विच इज़ टू हाई, बट नाउ दे हैव कम डाउन टू 75. इसकी मैंने तीन बॉटल्स मंगवाई हैं. मैंने पहले भी मंगवाई थी और मेरे पास छोटी छोटी बॉटल्स हैं, यू नो, लाइक डेटॉल और लाइफ बॉय की जो छोटी सैनिटाइजर बॉटल्स आती हैं. तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ उन छोटी छोटी बॉटल्स में, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, जिस पर इन तुरंत आपको चाहिए रहता है ना सैनिटाइज़र को छू दिया और तुरंत सैनिटाइज़र, तो यू कांट कैरी दिस. बट ये काफ़ी चीप भी पड़ती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली मंगाई है तीन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोरोना वायरस कोविड थिंग्स की, मतलब उसके लिए नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं वो. अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कुछ सामान जो कि मैंने मंगाया है. और डेफिनेटली अब मैं आपको बैग्स में इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज अब आप वो कार्डबोर्ड आर्डबोर्ड तो रख नहीं सकते, क्योंकि मैं तो वो जैसे ही आता है आई स्प्रे ऑल द डिसइंफेक्टेंट, मतलब मैं उसको पूरा गीला कर देती हूँ जो भी पार्सल आता है, और फिर उसके बाद उसको 24 hours रखे रहने देती हूँ, एंड देन आई ओपन इट और सारी चीज़ें मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ. और वो जो कार्डबोर्ड रहता है, मतलब जो भी बैग रहता है बाहर की पैकेजिंग, वो सब मैं बाहर
के बाहर ही, वो घर में घुसती ही नहीं है मेरे, तो इसलिए. देन आई गॉट दिस, दिस इज़ अ नूपुर मेहंदी, क्योंकि मैं मेहंदी लगाती हूँ. अगर आप लोगों को नहीं पता हो, आई पुट हिना ऑन माई हेयर्स और मैं अंडे के साथ मिला के लगाती हूँ. और क्योंकि मेरी मम्मी मानती हैं कि सावन में नहीं हम लोग एग यूज़ करते, लाइक नो एग नथिंग एट ऑल, सावन में शुड बी प्योर वेजिटेरियन, मतलब आई थिंक बहुत सारे लोग मानते होंगे. तो अब क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, तो फाइनली मैं एग के साथ हिना लगा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये मंगाई है और मैं बहुत जल्दी लगाने वाली हूँ. अगर आप लोग को देखना हो कि मैं कैसे बनाती हूँ वो पेस्ट टेस्ट उसका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ. देन आई गॉट, ओके, देर इज़ अ बिग सैड स्टोरी बिहाइंड दिस. मैंने ये मंगाया था पैलेट, बहुत अच्छा दिख रहा था ये, एंड जैसे कि आप देख सकते हो इसका 1, 2, 3 ऐसे टूट गए, बट एक्चुअली ये बहुत अच्छा पैलेट था, बहुत सुंदर दिखता था. एंड दिस, इसकी एक्चुअल MRP 900 रुपीज़ है, बट ये 450 का था, 50% ऑफ था इसमें. बट अनफॉर्चुनेटली मैं बात कर रही थी अपनी सिस्टर से, उसको कुछ चाहिए था और मैंने इसको हाथ से, मतलब धोखे से ही गिर गया ऑफकोर्स, बट वो ऐसे हो गया एंड वो पूरा पलट के गिर गया, एंड आई लॉस्ट 3 कलर्स. आसपास के थोड़े कलर्स मेरे गंदे भी हो गए, लाइक दिस वन, और ऐसे करके मैंने उसको स्क्रेप आउट करने की कोशिश करी, क्योंकि आई थिंक यार मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन कौन से कलर थे जो निकल गए, बट दिस इज लेफ्ट. तो मैंने सोचा मैं दिखा तो दूँ ही आप लोगों को कि दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट. बट ये पैलेट बहुत सुंदर था जब मैंने एक्चुअली में नायका में देखा था, और ये सिर्फ 450 रुपीज़ का था, तो मैंने सोचा था ये बहुत अच्छे कलर्स हैं इसमें, काफ़ी एक जिसको बोलते हैं ग्लिटरी न्यूट्रल आइज क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है इसलिए. देन आई गॉट दिस, दिस इज़ द सुपर ब्राउ, द अल्टीमेट ब्राउ पैलेट फ्रॉम पैक. इसमें आपको क्रीम और पाउडर आईब्रो शेड्स मिलेंगे. दिस इज़ फॉर ₹785. ये मैंने एक मंगाया था, मैं आपको दिखाती हूँ. ये बहुत अच्छा आईब्रो पैलेट है, दिस इज़ द आईब्रो पैलेट जो कि मैंने यूज़ भी किया है. इसमें आपको 2 क्रीम शेड मिलते हैं, 2 पाउडर शेड मिलते हैं. सो दीज आर द 2 पाउडर शेड्स एंड दीज आर द 2 क्रीम शेड्स. मैंने इसको यूज़ किया है आईब्रोज में एंड इट लुक्स रियली नाइस. आई ऑल्सो लव्ड कि इसमें एक प्रॉपर ब्लैक है, सो इफ़ आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ आई लाइनर, लाइक आज मैंने थोड़ा स्मज टाइप किया है, तो वो आप इस ब्लैक से कर सकते हो. यू ऑल्सो गेट अ ब्रश, लाइक आपको एक एंगल्ड ब्रश मिलता है एंड यू गेट अ स्पूली. तो वो उस हिसाब से पैलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मैग्नेटिक पैकेजिंग है. इफ़ यू वॉन्ट टू सी अ डिटेल रिव्यू, डू लेट मी नो. इनमें से किसी का भी, मतलब आई होप सैनिटाइजर्स का क्या रिव्यू करूँगी मैं, बट बाकी मैं कुछ भी आपको जो दिखा रही हूँ उसमें से आपको किसी का भी रिव्यू चाहिए हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो. तो ये एक मैंने पैक का आईब्रो का किट मंगाया है. देन आई गॉट दिस, हालांकि मुझे लगता है मैंने मनी वेस्ट कर दिया, बिकॉज इट इज़ मतलब नथिंग, जिसको मैं बोलूँगी कुछ आउट ऑफ द वे है. और ये है पैक का आई टेप, मतलब जब भी आप आई लुक क्रिएट करते हो तो यू हैव दिस टेप ना, आप टेप मेथड लगा के क्रिएट कर सकते हो. तो मैंने उस हिसाब से मंगाया था और मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत अच्छा होगा, बट दिस इज़ वेरी बेसिक टू द सिंपल पेपर टेप जो आपको मिलता है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस, डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. मैंने वैसे वेस्ट कर दिया, आप लोग मत करिएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, मतलब जैसे एक नॉर्मल पेपर टेप होता है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये बहुत नॉर्मल होगा. मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा कुछ तो इसमें फैसिनेटिंग होगा, तो इसलिए. देन आई गॉट फॉर माई सेल्फ दिस नीविया का डीओ मिल्क सेंसिटिव विटामिन एंड मिनरल रोल ऑन. ये जो है दिस इज़ 0% एल्कोहल, तो ये मैंने किया बिकॉज इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड और बहुत पसीना आता है, एंड यू डोंट वॉन्ट कि जो आपके बाजू में खड़ा हो या बैठा हो वो बेहोश हो जाए, तो इसलिए डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब ये वाला बैग मैंने खाली कर दिया है. ऑल्सो गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट दिस दीज बैग्स, मतलब ऐसे बैग्स आपको लेने, ये मुझे मात्र 250 में मिला था फ्रॉम आजियो. इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट, आप देख लेना, मैं आपको दिखा दूंगी, इसकी पिक्चर्स भी डाल दूंगी. दिस वॉज अ वेरी नाइस बैग, मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने एक्चुअली इसलिए लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ जाना पड़ता था बार बार. सो आई वॉज लाइक कि कोई ऐसा बैग लो जो कि कपड़े का हो, धुल जाए ईजी. सो ईजी फ्रीजी टाइप का ये बैग मैंने लिया था, एंड इट वॉज ओनली फॉर ₹250 आई गेस. मैंने और भी बैग्स लिए थे आजियो से, इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट ऑल्सो तो भी आप बताइएगा, बट बहुत ही सस्ते 250, 300, 150 इस टाइप के बैग्स मैंने लिए थे.
सो या दिस इज वन ऑफ दोज बैग्स, और क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए नीचे से ऊपर ला रही थी तो मैंने इसमें डाल लिया. द फर्स्ट थिंग इज दिस, दिस इज द बॉडी केयर चॉकलेट वैक्स. तो ये एक चॉकलेट वैक्स है, इस तरह से रहता है एंड यू कैन डेफिनेटली यूज इट फॉर योर हैंड्स, फॉर योर फेस, जहाँ भी आपको यूज करना हो. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर अंडर आर्म्स, आर्म्स, लेग्स. और ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज दिस इज अ माइक्रोवेवेबल जार, क्योंकि मेरे घर में वैक्स हीटर नहीं है. मैं देखती हूँ ना बहुत सारे लोगों के वीडियोस, तो उसमें मैं देखती हूँ दे यूज वैक्स हीटर्स और ये वो, और मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती वैक्स हीटर में, क्योंकि वैसे नॉर्मली मैं बाहर जाके करा लेती हूँ या अदरवाइज मैं शेव कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको शेव करने से कोई भी प्रॉब्लम होती है. आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग शेविंग ऑन माई लेग्स, ऑन माई हैंड्स, ऑन माई एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो मुझे शेव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जस्ट दैट कभी कभी मैं करती हूँ बिकॉज इट, आई फील ये टैन एंड भी रिमूव कर देता है, थोड़ा डेड स्किन भी निकाल देता है. सो दिस इज वन थिंग दैट आई गॉट, दिस इज द वैक्स. देन आई गॉट दीज टू वाइप्स फ्रॉम सिंपल. दिस इज द सिंपल क्लेंजिंग फेशियल वाइप्स. दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन, दिस इज ऑल्सो फॉर सेंसिटिव स्किन. एंड ये जो है ये माइसिलर क्लेंजिंग वाइप्स हैं एंड दिस इज द नॉर्मल रिफ्रेशिंग वाइप्स आई फील. तो ये तो वाइप्स मैंने ली बिकॉज दे वर इन 40% ऑफ और समथिंग. तो ये एंड आई नो लोग कहते हैं वाइप्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, बट स्टिल आई एम नॉट ओवर वाइप्स, और मुझे वाइप्स लगती है वाइल रिमूविंग माई मेकअप एंड डूइंग एवरीथिंग, तो मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ. हालांकि कोशिश कर रही हूँ कम करने की, बट आई स्टिल यूज इट. देन आई गॉट दिस, दिस इज द मामा अर्थ नीम फेस पैक. और ये मैंने यहाँ से फाड़ दिया है क्योंकि मुझे एक्चुअली टेप खोलते नहीं बन रहा था, तो मैंने वो जहाँ तक टेप था वो ही पूरा निकाल दिया. एंड दिस आई गॉट एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि मामा अर्थ में ऑफर था अगर आप मामा अर्थ का कुछ भी लेते हो तो आपको ये नीम फेस पैक फ्री मिलेगा. और मेरी सिस्टर को मामा अर्थ का क्या कहते हैं वो चाहिए था, क्लेंजिंग, बॉडी क्लेंजिंग का वो चाहिए था फॉर बेबीज जो आता है, क्योंकि मेरा एक नेफ्यू है छोटा सा 2 साल का, तो उसके लिए उसको क्लेंजिंग वॉश चाहिए था, तो इसलिए उसने वो लिया था मामा अर्थ का. तो मैंने सोचा मेरा भी फायदा हो जाएगा, तो मैंने उसको खुद ही बोल दिया मैं ऑर्डर कर देती हूँ. तो मुझे ये नीम वाला फेस पैक मिल गया. इफ़ यू वॉन्ट टू सी द रिव्यू ऑफ एनी ऑफ दीज डू लेट मी नो. इसका रिव्यू भी आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा. एंड देन आई गॉट फॉर माई सेल्फ दिस टी ट्री ऑयल, क्योंकि मेरा टी ट्री ऑयल ख़त्म हो गया था और ये थोड़ा सस्ता मिल रहा था फ्रॉम नायका. तो मुझे तो टी ट्री ऑयल से मतलब है, नॉट नेसेसरी कि वो नायका एसेंशियल ऑयल हो या कोई भी हो. सो दिस इज बाय सोल फ्लावर, दिस इज द सोल फ्लावर टी ट्री ऑयल 100% प्योर एंड नेचुरल. क्योंकि थोड़ा डैंड्रफ का इशू भी आ जाता है ऐसे ह्यूमिडिटी वाले सीजन में, तो इसलिए दिस इज द बॉटल. और इसमें आपको ना वो मिलता है लाइक यू हैव टू ऐसे ड्रॉप करके आप ड्रॉप ड्रॉप निकाल सकते हो. दिस इज़ नॉट अ ड्रॉपर काइंड ऑफ सिस्टम, तो इसलिए आपको सिंपल ऐसे करना है और ये निकल जाएगा. अभी मैंने खोला भी नहीं है, आप देख सकते हो, और क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया अभी. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई गॉट, ट्री ट्री ऑयल. ये किसी भी चीज़ में आपको यूज़ हो सकता है. इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई अ हेयर मास्क, फेस मास्क, या आपको नॉर्मली हेयर ऑयलिंग करनी है उसमें आप एक दो ड्रॉप्स डालो तो भी वो काफ़ी अच्छा होता है. देन आई गॉट फॉर माई सेल्फ दिस फेस वॉश एंड फेस टोनर फ्रॉम वाओ, द विटामिन सी मिस्ट का. तो ये मैंने खोल के देखा था इसलिए ऐसे ही पड़ा हुआ है. सो ये एक टोनर है विटामिन सी का वाओ की तरफ से, तो मैं इसका रिव्यू कर दूंगी अगर मैंने इसको यूज़ कर लिया जल्दी. फिलहाल मैं एलोवेरा रेंज यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम वाओ एंड आई गॉट विटामिन सी फेस वॉश, इस तरह का ब्रश वाला, बिकॉज आई लव्ड द एप्पल साइडर वन एंड आई ऑल्सो हैव द उपटन वन इन द सेम ब्रश काइंड ऑफ सिस्टम, तो इसलिए. सो ये मैंने चीज़ें ली थी. देर वर कपल ऑफ मोर थिंग्स जो मैंने ली बट वो यूज़ हो गई हैं, इधर उधर पड़ी हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ. बट दीज वर द थिंग्स जो कि रखी हुई थी, मैंने यूज़ नहीं करी है बिकॉज स्टिल द टोनर, द फेस वॉश एंड एवरी थिंग इज स्टिल केप्ट लाइक दैट. मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है. वैन एवर जब भी मैं यूज़ कर लूँगी मैं आपको दिखा दूँगी. बहुत जल्दी फिलहाल मैं एलोवेरा रेंज जो वाओ स्किन साइंस का होता है वो यूज़ कर रही हूँ, तो उसका मैं आपको बहुत जल्दी उसका रिव्यू दूंगी. बट या दैट वॉज इट एंड दिस वॉज माई ह्यूज नायका हॉल. थिंग्स वर एसेंशियल, स्किन केयर, मेकअप, बहुत सारी चीज़ें थी. आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड इफ यू डिड सो देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. और मैं आपसे मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ. टिल देन दिस इज मी अंकिता सिंह, गुड बाय, टाटा.